दोस्तों, आज मैं मक्के के आटे की रोटी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन ये पुराने वक्तों की रोटी की तरह नहीं बनेगा, बल्कि एक बहुत ही टेस्टी पराठे की तरह से मैं इसे बनाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर रखी हैं। सबसे पहले ये मकई का आटा है 1 कप, और सेम कप से ये गेहूँ का आटा है, चपाती वाला आटा है, रेगुलर आटा। 2 कप आटे के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें रखी हैं। तो ये है चॉप कोरिएंडर लीव्स, ये है कैरेट जो लगभग 2 टेबल स्पून होगा, और सारे मटेरियल ही लगभग 2 टेबल स्पून है। ये पालक है, बारीक कटी हुई प्याज है, साथ में यहाँ पर कुछ मसाले हैं। तो ये अजवाइन है 2-3 चुटकी, और पाउडर मसाले में धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर है थोड़ा सा कलर के लिए। ये सारे ही 2-2 चुटकी हैं, और टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें डाली हैं। अगर मिर्चें मुंह को लगती है तो इसे स्किप कर सकते हैं, मसाले को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये अजवाइन है, और अजवाइन डाइजेशन में बहुत ही मदद करता है। तो ये कोई भी अगर भारी हजम होने वाली चीज़ है तो उसमें अजवाइन डालने से उसका टेस्ट तो इन्हांस होता ही है, वो बहुत ही डाइजेस्टिव भी हो जाता है। स्वाद के लिए नमक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इकट्ठा की है, और अब उन्हें मैं डो की शक्ल में इसे इनके साथ गूँथ लूँगी। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। पालक के पत्ते मैंने यहाँ पर डाले हैं, ये प्याज भी इसमें गया, और सारी चीजें इसमें डाल देनी है। गाजर है, और ये धनिया की पत्ती, साथ में सारे मसाले जो हमने इकट्ठा किए थे उन्हें भी डाल देना है, और अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंथ लेना है। बहुत ही टेस्टी और मजेदार रोटी बनती है। ये विंटर की एक ख़ास विंटर का तोहफा है, इसे तो एक बार ज़रूर ही बनाना चाहिए, और बहुत से घरों में ये तो डेली का नाश्ता ही है। पानी ज़रा संभल कर थोड़ा थोड़ा डालना है। आप चाहें तो मकई और गेहूं के आटे का रेशियो घटा बढ़ा सकते हैं। जितना कम गेहूं का आटा इसमें आप शामिल करेंगे, रोटी उतनी हार्ड बनेगी, उतनी ड्राई बनेगी, और उसका सरफेस चिकना नहीं होगा, किनारियां फटेंगी। इसीलिए गेहूं का आटा मिलाने से रोटी स्मूथ बनेगी। आटा गूंथ कर रेडी हो चुका है। अब इसे 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ देना है, और दूसरी तरफ हमें मोटे तले के एक तवा चूल्हे पर रख देना है, ताकि वो धीमी आंच में गर्म हो सके। इतने आटे से मैंने 4 लोइयां तोड़ ली हैं। ये थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयां हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी मोटी रोटी या पराठा बनाया जाने वाला है, इसकी ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनाई जा सकती। तो इसे सूखे आटे से लपेट लेना है, और बड़ा संभाल कर इसे बनाना है। सबसे पहले तो आप इसकी थोड़ी सी गोलाई अपने हाथों से घुमाकर ही बना लें, और बेलन से भी बेलते हुए इस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। देखिए, ये इसी तरह से बनाई जाती है। अगर आप इसे परफेक्ट करना चाहें तो हल्का सा बेलन इस पर घुमा सकते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, आप इस पर उठते हुए धुआं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है, और धीरे से इस पर
अपना पराठा डाल दें और पहले हम इसे बिना तेल के ही सेकेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस पर बटर, घी या तेल जो पसंद हो वो डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे इसी तरह से धीमी धीमी आंच पर सेका जाएगा। तो आप देख सकते हैं विटामिन से भरपूर ये टेस्टी नाश्ता या खाना किसे पसंद नहीं आएगा। जब कुछ भी करने का दिल ना करे तो ये टेस्टी नाश्ता या लंच में इसे आप परोसकर अपना दिल खुश कर सकते हैं, मेहमानों को खुश कर सकते हैं और बच्चों को भी हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व कर सकते हैं। इसे अचार से खाएं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो आप भी इसे बनाएं और खाने के बाद अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।